आप देख सकते हैं कैसे चढ़ के अलमारी के ऊपर चीजें निकाल रही है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ अपनी मम्मी के घर जाने के लिए। मेरा सारा मुझे सुबह सुबह बुला के लड़की सो रही थी और इसको मेरी बच्ची का नाम तक नहीं पता। कह रही है क्या नाम रखा है? हरमैन। तो मैं हरमैन नाम रखा है मैंने। के बाद मैं अब मिली हूँ इससे। मिली फाइनली आई एम गोइंग। और मैं बेचारे महान की आप शक्ल देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जो मैं आके जो है वो यहाँ पे सो गई थी और हम सब अब उठे हैं और यहाँ पे बच्चा पार्टी मुझसे ऐसे मिले थे। बच्चा हम यहाँ पे पी रहे हैं शाम की चाय, ये चावल जुहान के लिए। और निदा बाजी भी हमारी आ चुकी है यहाँ पर और ये अभी नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ दिखाने के लिए मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, बस सडनली ऐसा हुआ क्योंकि ये कल जा रही हैं अपनी अम्मी के रुकने के लिए। तो इनका स्टे टाइम स्टार्ट होने वाला है कल से, तो ये रात का टाइम हो रहा है, अभी 1:45 हो रहा है और 1:45 बजे की इनकी तैयारियाँ देखे ज़रा ज़ोरों शोर में हैं। आप देख सकते हैं कैसे चढ़ के अलमारी के ऊपर चीज़ें निकाल रही जा रही। प्रोबा 1:45 हो रहा है रात का। अच्छा, रात का 1:45 हो रहा है, इसका बनता भी है पैकिंग करना क्योंकि सुबह छोड़ते हुए जाऊंगा मैं इसको ऑफिस में, ऑफिस से। और एरा भी अपनी पैकिंग कर रही है, बल्कि पैकिंग देगा। रुबा तुम 2-3 दिन बाद चली जाओ ताकि आराम से पैकिंग हो जाए। हाँ, वो भी आ गई हैं हीरा रुकने के लिए, उनके बच्चों की छुट्टी हुई है 4-5 दिन के लिए हुई है। रुबा कितने दिन के लिए हुई है बच्चों की छुट्टी? कितने दिन के लिए हुई है? 5 दिन की छुट्टी। एक्सपेक्टेड भेज दे, मम्मा पैक भी नहीं करे। मेरे पास हीरा की कॉल आई दोपहर में और उसने बोला कि आगे मैं आ रही हूँ रुकने के लिए, मेरे बच्चों की छुट्टी हो गई है तो तू भेजे, तू भेज देगा। वो पहले बताऊँ क्या करती है, वो पहले ये करती है मुझसे, बोलती है कि पहले तू कसम खा, पहले तू कसम खा के मेरी बात मानेगा। हाँ हाँ, मेरे मुझे फ़ोन किया है, बोली है पहले तू कसम खा मेरी बात मानेगा। मैंने कहा पहले बात तो बता। नहीं, पहले तू कसम खा वरना मुकर जाएगा। अच्छा, वो यही करती है हमेशा से, जब भी कॉल करती है सबसे पहले बोलती है पहले तू कसम खा तू बात मानेगा। तो भाई पहले बात तो पता लगे क्या है। खैर वो फिर मैंने जैसे तैसे करके उससे बात पूछी, तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो रुकने आ रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है आप चली जाओ रुकने। इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर मैं रुकने नहीं आ रही होती, मैं इनसे पहले से बात कर चुकी थी कि मैं संडे को जाऊंगी। अगर वो अचानक बोलती कि जना मेहरान मैं रुकने आ रही हूँ तू भी इसको भेज दे, तो ये कभी भी नहीं मानती। रुबा अचानक ही बोला है। अच्छा, इसने संडे को इन्होंने संडे को जाना था और आज क्या दिन है? वेडनेसडे यार, और कल थर्सडे, मैं थर्सडे को छोड़ रहा हूँ। ये बड़ी बात देखो, ऑफिस जाते हुए छोड़ता हुआ जाऊँगा, वो भी पूरा दिन मिलेगा। जी नहीं, जब आपसे हम अनएक्सपेक्टेड मतलब बोलते रहूँगे ना, आप कभी भी नहीं मानते। तो माना नहीं होगा सबके सामने भाई, माना हो और मैं भेज दूँगा। इसलिए माने क्योंकि इनका प्लान ही था कि हाँ मैं जाऊँगी। यार संडे का था तुम्हारा प्लान, संडे का था, तो मैं इतने टाइम से भी तो रुकी हुई हूँ। संडे का प्लान था और अभी टाइम भी तुम्हारा अभी पूरा हुआ जाने के लिए, अंदर भी जा सकते। खैर तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी क्योंकि मैं जो है ना अलग ही एक बंदा हूँ, अलग ही सोच का मालिक हूँ। मैंने अलग सोच का मालिक हूँ, मैं नहीं रोकता। सही है, मैं नहीं रोकता किसी को। इरहा ने इनकी पैकिंग का बैग जो है ना ओढ़ के बैठी हुई है। इरहा इरहा व्हाट आर यू डूइंग? इरहा What are you doing? ये इसकी हरकतें देखें आप जरा। लो भाई हो गई पैकिंग कंप्लीट, पैकिंग कंप्लीट हो गई है। मुझे नहीं पता, आपको ही सामान से लाके देना पड़ेगा। मेरा व्हाट आर यू डूइंग बेबी? ये फट जाएगा। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ अपनी मम्मी के घर जाने के लिए। मेरा मेरा सारा जो लगेज है। हाँ, इस्लामाबाद जा रही हूँ। फाइनली आई एम गोइंग। और मैं बेचारे महान की आप शक्ल देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जो ना इतने दिन के लिए जा रही हूँ। तो
हर चीज की जरूरत होती है भाई, घर में जल्दी से नीचे उतारी मैंने आपको तो खराब कर दिया भाई। अरे ऑलरेडी खराब चलो वो थेरी और ले हाँ मैंने किया है। फाइनली मैंने अपना सारा रूम ऐसा समेट दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि मैं जब आऊँ बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो जो है मैं समेट के तो जा रही हूँ, जब मैं आऊँगी मेहमान तो उसके बाद ऊपर आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे जो है मिट्टी वगैरह तो ज़रूर होगी। खैर मैंने कह दिया है कि साफ रखना है मेरे पीछे कमरे को, बिल्कुल फैला हुआ नहीं होता बिल्कुल भी, बट ये कि डस्ट वगैरह जो इतनी ज़्यादा हो जाती है जब मैं आती हूँ और जब मैं बेड वगैरह झाड़ती हूँ तो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही होती है हद से ज़्यादा। तो खैर मैं जा रही हूँ अभी अम्मी के घर रुकने के लिए, और मैं सुबह सुबह जाके इन लोगों ने बताया कि मैं सुबह सुबह आ रही हूँ, तो मैं सुबह सुबह जाके सरप्राइज़ देने वाली हूँ। वैसे तो सब सो रहे होंगे, मैं किसी को उठाऊंगी नहीं, बट हीरा को एक क्लास ज़रूर मारूंगी क्योंकि वो बहुत बोल रही थी तुम नहीं आना नहीं आना, और ना अगर बाद में आना तो बाद में आ जाना, क्योंकि मैंने उसको कहा मैं संडे को आऊँगी, मैं अभी नहीं आ रही। हेलो उठाइए भाई, होने का काम अंजाम है। गेट बंद कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मुझे सुबह सुबह बुला के लड़की सो रही थी, और इसको मेरी बच्ची का नाम तक नहीं पता, कह रही है क्या नाम रखा है, हरमैन। तो मैं हरमैन नाम रखा है मैंने, के बाद में अब मिली हूँ इससे, मिली हो तो मैं ये भी नहीं पता मेरी बच्ची का नाम क्या है। नाम है हमारे बच्चों को मैंने गोद में पाला है, पोटियां धुलाई है। हाँ हाँ हरम नाम है। नहीं अच्छा, जब मैं हरम नाम सबूर का रख रही थी तो मुझे सबने वो ऑब्जेक्शन उठा दिया था। नहीं अम्मी को हरम नाम इतना अच्छा लगा, हरम इतना पसंद था, मतलब इसका नाम हरम है क्या है, हरम नाम है हरीम। इसको देखें ये कैसी लड़की है, इसे ये ही नहीं पता तो मेरी बच्ची सवा महीने की हो गई, इसको ये नहीं पता मेरी बच्ची का नाम क्या, कभी कह रही है बच्ची हरमैन। हॉस्पिटल के बाद मैं पहली दफा मिली हूँ इससे, तो आप घर आ जाती मिलने, घर कैसे आ जाती, मैं अम्मी के घर अब आई हूँ, पूरे एक महीने बाद आई हूँ अम्मी के घर में। वैसे मैं मेरी तुमसे मुलाकात बहुत टाइम बाद जी, मैं यही बता रही हूँ अम्मी के घर पूरे। आप लोग ये देखें कि हम दोनों बहनें एक एक डेढ़ महीने बाद मिल रहे हैं, बाहर मिले जो बाहर कब मिले, हाँ बस जब ही मिले उसके बाद ही मिले। और इन्होंने आते ही ना खाला का फर्ज तो निभा लिया, इन्होंने आते ही इनका पैम्पर जो है वो लीक कर रहा था तो इनका वॉश कर इन्होंने वॉश करवा दिया है वो, बट इनको मेरी बच्ची का नाम नहीं पता क्या है। हरीम क्या है तमीज हो, मतलब आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा, मैंने व्लॉग भी देखा है, व्लॉग में ही देखा है। इनको ये तक टॉपिक नहीं थी कि कॉल करके पूछ ले कि रुबा से मैं अपनी बच्ची का नाम दे रखा है व्लॉग में, हरीम देखा मैंने सही बोला था, आप पहले बोल दी हरमैन, हाँ फिर आपने बोला हरम, फिर जाके तुम्हें याद आया हरीम, कितनी बदतमीज हो मेरा तुम। तुम्हारी अम्मा क्या कह रही है मेरी बात सुनो, बताओ मैं बदतमीज हूँ, हाँ बताओ मुझको। हमारे घर में एक और माशाल्लाह से बच्चा, उसका पैंपर पड़ा है, अभी हमने हलवा पूरी मंगवाई है, इन्होंने बहरान की शक्ल रखना बहरान के बता इनको हलवा पूरी के तक क्रेज, इन्होंने आती हलवा पूरी मंगवाई है अरीश से, वैसे तो 9 बज रहे हैं, मुझे लगा मेरा मोबाइल गिरा है, मोबाइल नहीं। मैं आके जो है वो यहाँ पे सो गई थी और हम सब अब उठे हैं, और यहाँ पे बच्चा पार्टी मुझसे ऐसे मिली थी, बच्चा ने मैं कितनी कोई सदियों बाद आई हूँ, सदियों बाद आई हूँ, वही इधर आओ पान आप पियो, हाँ एकदम कड़क घी मार के तीन ठंडा हमारे लिए नाश्ता बना रही है, राहल अपने मुन्ने का फीडर बना रही है, इनका मुन्ना चुन्नू मुन्नू रो रहा है, सफान आप भी आओ वीडियो में आओ ना, मैं बताती हूँ क्या इतना बड़ा खिलौना लेकर आई है। तो मेरे घर बहुत देखो रात को कूलर का पानी भरा था, अभी भी ठंडा भी है। मैं आपको दिखाती हूँ ये अपने बच्चों के लिए छोटे मोटे खिलौने नहीं लेकर आई, क्या लेकर आई है, इतनी बड़ी स्कूटी इतनी बड़ी स्कूटी लेके आई है ताकि ये उनके बच्चे से खेल सके, और बाकी अपनी गाड़ी में पीछे रख के लाई है, मुझे तो यही हैरान हो रही गाड़ी में पीछे आई कैसे होगी, फरहान ले आई यही बहुत बड़ी बात है, वरना वो यही बोलते कि पागल हो गई है हीरा, तू पागल हो गई है, मुझे पीछे वाली सीट नहीं है पानी नीचे डालती है उसके अंदर, अच्छा नीचे खड़े करके ले, चलो सही तो यहाँ पे बबल बढ़ रहे हैं चारों तरफ, और हम ट्राई करेंगे उसके बाद निदाबाजी भी आने वाली है, उनकी मुझे कॉल भी आ चुकी है।
दो दफा तो रुकने नहीं आने वाली, मिलने आने वाली। तुम ये बोतल लेकर आओ जरा मेरी। हम यहाँ पे पीने शाम की चाय, ये चावल जुहान के लिए, और निदा बाजी भी हमारी आ चुकी हैं यहाँ पर, और ये अभी नहीं आई हैं, ये 4 बजे आई हैं, 4:15 बजे तक आई हैं, मुझे सुबह 7 बजे बुलवा के 4 बजे जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो चाय वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, मुनीशा ने हमारी चाय बना ली है, ये बाजी ने बड़ा प्यारा सा गला मंगवाया है, हीरा ने मंगवाया, आपने भी तो मंगवाया जो आपने ब्लॉग में ला रहे। अच्छा बाजी ने बहुत अच्छे अपने ब्लॉग में गले बताए हैं, इन्होंने गले मंगवाए, तो सब बाजी का ब्लॉग देखें और आप भी दराज से गले ऑर्डर कीजिए। तो यहाँ पे अपने ब्लॉग का, और यहाँ पे इन्होंने चाय गिरा दी। रियान व्हाट इज दिस, हाँ चाय पी रहा यूं अंदर डायरेक्ट गिर गई। अभी कपड़ा क्या दो, आप धो के आओ। अरे कपड़ा दो तो साफ, ये लो ये ले लो जब तक। तो यहाँ पे हम मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और बहुत मजे मजे के ब्लॉग आने वाले हैं क्योंकि मम्मी घर पे आ चुकी हूँ रुकने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, अलविदा, बाय बाय।